क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 80 आपके बुक का कहता है, दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस दे रखा है 3:2 ऑन 31 मार्च 2019। दे आर बैलेंस शीट एज, कुछ बैलेंस शीट में एसेट्स है और कुछ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आपको गिवन है। इसके बाद कहता है ऑन 1 अप्रैल 2019 द पार्टनर एडमिट अंशुल, एक न्यू पार्टनर कौन एडमिट हो गया, अंशुल। अंशुल के एडमिट होने के बाद आगे क्या कहता है, अंशु। इसके बाद कहता है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, इसके अंदर फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, यानी यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम यही कर लेते हैं कि एक बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आगे कहता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड, बोर्ड पे ध्यान देना, माइनस में न्यू, ओल्ड माइनस में न्यू। अब ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है क्वेश्चन में ढूंढते हैं। ओल्ड है 3:2, यानी हमें डी का निकालना है और आर का। डी का क्या है, 3/5, 2/5, माइनस 5/10, 3/10, एलसीएम आ गया 10, 6 माइनस में 5, 1/10, एलसीएम आ गया 10, ये 4 माइनस में 3, 1/सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। तो समझो, आपको जब कभी भी न्यू रेशियो दे देता है, तो न्यू रेशियो में क्या दिक्कत होता है कि आपको कई बार रेशियो क्या हो जाता है, नेगेटिव में, कई बार रेशियो क्या हो जाता है, नेगेटिव। और नेगेटिव में जब कभी भी रेशियो आता है तो नेगेटिव में आने का मतलब होता है कि आपको कैलकुलेशन का पार्ट बढ़ गया, आपके कैलकुलेशन का पार्ट क्या हुआ, बढ़ गया। सेम यहां पे क्वेश्चन में न्यू रेशियो तो दे रखा था, लेकिन यहां पे मान के चलो कि हमारा क्या है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो आ गया पॉजिटिव, तो यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1:1 क्या आ गया हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो ओल्ड माइनस में न्यू, और हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1। तो यहां तक हमने देखा क्वेश्चन में, लेकिन यही क्वेश्चन में देता कि आपका 1/4 के लिए आया, 1/6 के लिए, तो ओल्ड रेशियो ही क्या मान लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग। तो यहां थोड़ा काम बढ़ा दिया एग्जामिनर ने। आपका कहता है अंशु शैल ब्रिंग 32,000 एज अ कैपिटल, अपने कैपिटल का 32,000 रुपीज लेके आया है। तो सबसे पहले कैश बुक में लिखेंगे, कैश बुक में अंशुल को मैं ए बोल रहा हूं, एज कैपिटल, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, 32,000, और एक कैपिटल अकाउंट में कर देंगे बाय एज कैपिटल, और अंशुल में लिख दिया हमने 32,000 रुपीज। क्लियर, 32,000। चलिए अब आगे देखते हैं पॉइंट क्या है। अंशुल इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैश, हिज शेयर ऑफ गुडविल, कहता है अंशुल जो है अपने हिस्से का गुडविल नहीं ला पाएगा। पार्टनर्स देयर फॉर डिसाइडेड कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु, और पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम इसके बेसिस पे गुडविल निकालेंगे, और कैपिटल कंट्रीब्यूटेड मेक बाय देम टू फर्म, उसी शेयर का। यानी यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में गुडविल दे रखा था पूरे फर्म का, पिछले वाले क्वेश्चन में पूरे फर्म का गुडविल दे रखा था, इस वाले क्वेश्चन में पूरे फर्म का गुडविल नहीं दे रखा, यानी हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। अब हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आ गया तो हिडन गुडविल से हम निकालते हैं यहाँ पे। चलिए सबसे पहले निकालेंगे फर्म कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ ए लिख देता हूं, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ ए, और अमाउंट इज, और यहां अंशु का कैपिटल नहीं पता, तो अंशु का कैपिटल हम मान लेंगे जो न्यू रेशो दे रखा है आपको 2/10 मीन्स 1/5, ठीक है, या तो 1/5 पहले कर लो या बाद में कर लो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5/1 या फिर मल्टीप्लाई 10/2, 160। अब हमें क्या करना होगा, फिर से निकालना होगा फर्म का कैपिटल, ए प्लस बी, सॉरी ए तो है नहीं हमारे पास,
डी प्लस आर ए और प्लस में इफ एनी रिजर्व। एक पॉइंट मैंने पहले नहीं बताया था क्योंकि हमें इस पॉइंट के बारे में नहीं पता था। अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रीवैल्यूएशन का लॉस हो उसको भी यहां पे एडजस्टमेंट करेंगे। तो मैं यहां पे और फॉर्मूले को इंक्रीज कर देता हूं, क्या लिख सकता हूं, प्लस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आरपी माइनस रीवैल्यूएशन लॉस अगर है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का पॉजिटिव बैलेंस होता तो प्लस कर देते क्या प्रॉफिट एंड लॉस, और माइनस कर देते प्रॉफिट एंड लॉस। और भी माइनस मैंने कुछ बताया था, क्या आपको याद है, माइनस में फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, क्लियर। पहले इस फॉर्मूले को हम लिख चुके हैं, लेकिन पहले जो फॉर्मूला लिखा था उसमें एक पॉइंट मैंने मिसिंग किया था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस। इसका मतलब वेरी क्लियर, गुडविल हम नहीं निकाल पाएंगे अभी। जब तक के हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस नहीं पता चलता तब तक हम गुडविल नहीं निकाल पाएंगे। तो इस एडजस्टमेंट को मैं यहीं पे होल्ड करता हूं, जैसे ही मुझे रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस पता चलेगा मैं उसका यूज करके यहां पे इजीली गुडविल निकाल लूंगा। फिलहाल के लिए बस मैं यहां पे यही कर सकता हूं कि दोनों का जो कैपिटल है, तीनों का बन जाएगा हमारा 88 और प्लस में 32। अभी स्टिल इसके अंदर कुछ चीजें माइनस या प्लस हो सकता है। माइनस क्या हो सकता है, रिवॉल्यूशन का लॉस, और प्लस क्या हो सकता है, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट, जो कि अभी पेंडिंग है। तो मैं अभी इसको होल्ड करता हूं। चलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, पहले कितने का था, तो यानी फायदा हो गया कितने का, 12 का, 48 से ये हो गया, बाय प्लांट 12,000। इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, अगर करने को बोले तो हम करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलो आगे कहता है स्टॉक हो गया मेरा 40,000 का, स्टॉक कितने का हो गया, मुझे जवाब दो, फायदा या नुकसान, फायदा हुआ हमारा, बाय स्टॉक, स्टॉक हो गया हमारा 8,000 रुपए से, पहले था 32 का अब हो गया 40,000। इसकी जर्नल एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल एंट्री हमें पता होना चाहिए हर किसी का। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000, हां जी बिल्कुल, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, ये नहीं कंबाइन नहीं करना होगा क्योंकि जब जर्नल एंट्री करेंगे तो हर किसी का, क्योंकि आप कंबाइन करते हो बेसिकली, कुछ बच्चों का होता है सर एक ही साथ होता है तो एक बार जोड़ के लिख देते हैं शॉर्टकट्स, क्योंकि अब अगर यहाँ पे जर्नल एंट्री करते हैं तो लेजर भी ओपन होगा, यानी अभी तो हम सिर्फ स्मॉल थिंग पे काम कर रहे हैं, जो अकाउंटेंट होगा वो क्या करेगा, प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बनाएगा, वहां पे लिखेगा बाय टू के साइड में रिवैल्यूएशन जाके। ठीक है ना, तो ये पूरा प्रोसेस हम किसी को कंबाइन नहीं कर सकते, अगर कंबाइन कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा एक्यूरेसी खत्म हो रहा है, हम लेजर को इग्नोर करते जा रहे हैं। ठीक है, चलो कहता है यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 4,000, पहले से 800 रुपए बना हुआ है, 400 रुपए 800 बनाया है, 4,000 बोल रहा है बना दो, तो 3,200 रुपीस और बनाना है। तो पहले डेटर था कितने का, डेटर हमारा 28,800, कहता है कि इसको लेस करो, 800 को छोड़ो, आपको टोटल बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 रुपए, यानी मेरा लॉस जो हो गया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लॉस हो गया मेरा 3,200 का। कैसे काउंट करोगे, या तो एसेट्स के वैल्यू से कंपेयर कर लो, या देखो 800 तो पहले से ही था, क्वेश्चन बोल रहा है कितने तक बना दो 4,000, इट मींस और कितने का लॉस हो गया, पहले का लॉस तो पहले बुक कर चुके होंगे तो 3,200 का। अगर यहां पे बोलता प्रोविजन बनाना है हमें बाय, यहां पे बोलता मेंटेन टू की जगह पे बाय 4,000, तो हम क्या करते और 4,000 रुपए का प्रोविजन बना देते, तो वो पूरे 4,000 का लॉस होता। तो मैंने एक डेटर के लिए अलग से क्लास लेना है आपका, तो इसलिए मैं अभी सिर्फ बताता जा रहा हूं कुछ कुछ हिंट, शायद मैं क्लास लूंगा तो सब आपको क्लियर हो जाए।
वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। चलिए बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बिल्डिंग लिख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग है। एड एप्रिसिएशन 20% मींस 10,000 रुपीज। क्लियर? और ये 10,000 बेनिफिट है मेरा, फायदा। तो बाय लैंड एंड, चलो अब मैंने शॉर्ट वर्ड यूज कर लिया और यहां लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग। क्लियर आपको? चलो आगे पॉइंट देखते हैं। आगे बोलता है मशीन फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। चलो फर्नीचर पहले कितने का था, इसको बोला गया डेप्रिशिएट करो, तो लेस डेप्रिशिएशन। थोड़े से मैं शॉर्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, तो उसके अंदर आपको एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में पूरे वर्ड यूज करने हैं। चलो लॉस हो गया तो टू, वन थाउजेंड रुपीज। क्लियर? चलिए मुझे अब जल्दी से जल्दी रिवॉल्यूशन बंद करना है और कैलकुलेट करना है ताकि मैं गुडविल का ट्रीटमेंट कर पाऊं। चलो आगे कहता है द एडिशनल लाइबिलिटी 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक एडिशनल लाइबिलिटी पाया गया आउटस्टैंडिंग सैलरी टू एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, यानी कोई एम्प्लॉय था उसके मुझे सैलरी देने थे लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया और मैं उसको वो सैलरी पेड नहीं कर पाया, तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी बन गया। आगे क्या कहता है, दिस लाइबिलिटी नॉट इंक्लूड द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। सबसे पहले ये जो वर्ड लिखा है, ये वर्ड लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता। कैसे? चलो मैं लिखता हूं यहां पे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, बताओ कितने का है? 2000। सैलरी दे रखा है क्या? बैलेंस शीट में देखो आप, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी दे रखा है। ये सेंटेंस कहता है द लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूड, लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं है हमारा क्या, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। तो मेरे पास लाइबिलिटी में तो बस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी और बाकी अदर क्रेडिटर वगैरह है। तो इसका कहने का मतलब है पहले जितने भी लाइबिलिटी हमारे बैलेंस शीट में है उसमें जो मैं 8,000 वाले लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं जुड़ा हुआ नहीं है। वैसे ये वर्ड नहीं भी बोलता तब भी मानता कि जुड़ा हुआ, और लाइबिलिटी मेरे पास एक है इसके अंदर तो 8,000 जुड़ा हुआ होने का बात ही सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि 2,000 खुद ही है ये। ठीक है, आगे कहता है स्टेटेड इन द बैलेंस शीट पार्टनर डिसाइड शो लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्म को दोबारा बनाने के लिए पार्टनर चाहते हैं कि इस लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में ही दिखाया जाए। तो इसका मतलब मैं यहां प्लस कर दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। क्लियर? ये पूरा का पूरा लॉस है इसलिए मैं यहां दिखा रहा हूं आउटस्टैंडिंग। एक बार और मैं इस एडजस्टमेंट को पढ़ देता हूं आपके लिए। एडजस्टमेंट में था, मैं सिंपल पढ़ के बता देता हूं, देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी, एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी पाया गया ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये लाइबिलिटी किस वजह से हुआ, सैलरी की वजह से। पेबल टू एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, मेरे फर्म में कोई वर्कर काम करता था उसको पेमेंट करने के लिए हुआ। दिस लाइबिलिटी नॉट इंक्लूड इन द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, और ये लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं लिखा था, यानी ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है काइंड ऑफ। स्टेटेड बैलेंस शीट पार्टनर डिसाइड, लेकिन पार्टनर बोलते हैं भाई पहले नहीं लिखा था तो वो गलती आगे नहीं करेंगे, अब इसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो मैंने वही दिखा दिया और लॉस हो गया हमारा। क्लियर है बिल्कुल अब ये एडजस्टमेंट? चलिए अगले, और तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स बैलेंस शीट, और आगे के कहा हुआ है इसने बैलेंस शीट ऑफ द दीपिका राजश्री एंड अंशु का बैलेंस शीट। चलिए अब मुझे सबसे पहले तो बंद करना पड़ेगा, पहले ट्रांसफर कर लेते हैं, चलो लास्ट में बंद कर देंगे, इतनी जल्दी कोई नहीं है। कैश इन हैंड, बताओ कैश इन हैंड क्या है? टू बैलेंस बीडी, अमाउंट बताएंगे आप। कई बार होता क्या है, कैश एट बैंक भी क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है। तो कैश एट बैंक को हम यहां भी दिखा सकते हैं कैश बुक में, और अलग से हम यहां पे कैश एट बैंक भी लिख सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है, कैश एट बैंक कोई गलती नहीं है।
ठीक है, कैश एट बैंक बताओ 20 800, 20 800। चलिए कैश एट बैंक भी दे दिया, स्टॉक हम लिख चुके हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं लिखा, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट 1000। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, और सारा का सारा प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर कर चुके हैं। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी में, सन्ड्री क्रेडिटर बताओ क्या है, 16000, कोई एडजस्टमेंट नहीं एज इट इज। इसके बाद पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, कई बार पब्लिक हमारे पास डिपॉजिट करवा देता है एफडी के रूप में, तो वो पब्लिक डिपॉजिट होता है। अमाउंट बताओ 61000। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे क्लियर पता चल रहा है कि भाई जिसने क्वेश्चन बनाया है ये बिल्कुल गलत है, क्वेश्चन बिल्कुल गलत बनाया है। कैसे, चलो पहले मैं भी डिस्कस करता हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट बता दो एक बार आप, 6000। जैसे ही मैंने ये पॉइंट देखा, अब क्वेश्चन तो दे रखा है, हम क्वेश्चन तो कर रहे हैं, कई बार एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को चैलेंज मत करना, आपको उस क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा, भले ही क्वेश्चन गलत हो, आपके सामने जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको आपको सॉल्व करना है, बस आपका एक मोटिव है, चाहे गलत हो आधा अधूरा करो, आपको अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, तो क्वेश्चन काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूं एक तरीके से गॉड है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता हमारा। तो हमारे इस क्वेश्चन में सबसे पहले बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है, बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लिया, यानी बैंक का बैलेंस मेरा किस में चला गया, नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या किया, बैंक ओवरड्राफ्ट भी दे दिया, एक तरफ बोलता है बैंक से पैसे ज्यादा निकाल लिए, दूसरी तरफ कैश एट बैंक भी दे रहा है, दूसरी तरफ बोल रहा है बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो एग्जामिनर की मैं क्या बात सुनूं भाई, पैसे ज्यादा निकाल लिए या बैंक में पैसे पड़े हैं, क्लियरिटी करो। एग्जामिनर को क्या करना चाहिए था, इसमें से 2800 पहले माइनस करके यहां पे कुछ और अमाउंट दिखाना चाहिए था बैंक ओवरड्राफ्ट का। लेकिन अब मैं थोड़ा सा एग्जामिनर की फीलिंग समझूं, तो क्या पता दो दो बैंक हो, पीएनबी का बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो और एसबीआई का पॉजिटिव हो, तो कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन हम इतना अजम्पशन थोड़ी ले सकते हैं, हमें तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया, हमने यहां लिख दिया और ये यहां पे लिख दिया, तो कई बार एग्जामिनर ये एक तरीके से मिस्टेक है ये, लेकिन वो धीरे धीरे आगे चल के ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको उस पर नहीं जाना, आपको इतना पता है बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, इसकी एंट्री या तो कैश बुक में बाय साइड में बाय बैलेंस बीडी के नाम से करो या फिर लाइबिलिटी में शो कर दो, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करना है, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, और क्या है, हमें आपका क्रेडिटर हो गया, डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग कैपिटल, कैपिटल लिख देते हैं दोनों का, बाय बैलेंस, बस क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है, बैलेंस बीडी, अमाउंट बताओ एंड 40000। चलो रीवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट निकालें, तो प्रॉफिट आ रहा है तो 830000 और यहां पे आ गया टू पार्टनर, कैपिटल, मैं पार्टनर्स कैपिटल जरूर लिखता हूं लेकिन ये प्रॉफिट होता है, एक्स सॉरी डी एंड आर। चलिए कितना आता है, माइनस करते हैं 17800 रुपए, चलिए 17800 एंड रेशो 10000 7120, क्लियर, यहां पे आ गया। अब हमें हिडन गुडविल निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो मुझे क्या करना चाहिए यहां पे, यहां पे मुझे, चलो मैं इसको पी एंड एल को यहां डिलीट कर रहा हूं, यहां मिटा रहा हूं मैं, प्लस रिवैल्यूएशन का 17800, प्लस कर ले इन सबको, अब ये फर्म का 137000, अब बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो आएगा हमारे फर्म का, अभी ये फर्म का है, ये लो हमारे फर्म का गुडविल आ गया।
अब ये सिर्फ फर्म का है, लेकिन हमें निकालना किसका है, ए अंशु का शेयर। अंशु का शेयर इधर निकाल लेते हैं, स्पेस की कमी है, एज शेयर प्रीमियम। मल्टीप्लाई 1/5 4440, 4440 रुपए। इसको किस रेशो में बांटेंगे, 1:1। तो अब जब ये गुडविल था तो गुडविल लेके नहीं आए, तो इस गुडविल की जर्नल एंट्री अगर मेरे से बोलो तो मैं बोलूंगा ए टू डी और टू और 4440 2220 2220। चलो बाय एज कैपिटल, कैपिटल आएगा, प्रीमियम लेके नहीं आया। हिडन गुडविल जब भी होता है तो आपका पैसा लेके नहीं आता। और यहां आ जाएगा टू डीज कैपिटल और टू आर्स कैपिटल। क्लियर? अब हमारा काफी हद तक काम हो गया यहां पे, और इसको टोटलिंग करेंगे। तो देखो पहले वाले में भी न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाया था, इस वाले में भी न्यू पार्टनर, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हिडन गुडविल का है और वो क्वेश्चन हमारा नॉर्मल था। ठीक है, तो क्वेश्चन 48,000, अच्छा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी बांटना है, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 10,680 और 7,120। टू बैलेंस, फोर नाइन थ्री फोर जीरो 32,000। बोर्ड पे ध्यान दे, टोटलिंग है तो टोटलिंग भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप टोटलिंग में मिस्टेक कर देते हो। अब इसमें से 32,000 में से 4440 माइनस 27,560, इस कैपिटल को यहां ट्रांसफर कर दे, आपका डी आर और ए शॉर्ट फॉर्म यूज किया मैंने, 60900 49340 27,560। चलिए 60900 49340 27560 1378 00, ये आ गया 10,000। चलो टोटल करते हैं 33,200 बाय बैलेंस। ठीक है, क्लियर, कैश बैलेंस। चलिए इसको टोटल करते हैं 28,800 माइनस में 4,000, क्लियर। अब टोटल कर देते हैं, दो लाख 30,800 इधर का टोटल, दो लाख 30,800। नॉर्मली कई बार आप बुक में सॉल्यूशन देखोगे तो मैच नहीं होता बैलेंस शीट का टोटल, रीजन व्हाई, उन्होंने क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर रखा है ओवरड्राफ्ट को लेके, वो उसी को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं ओवरड्राफ्ट को यहां ना लिख के कैश में से माइनस कर दूं डायरेक्टली, या कैश बुक में से माइनस कर दूं, तो शायद हमारे बैलेंस शीट का टोटल अलग आएगा, लेकिन दोनों साइड क्या होगा, मैच होगा। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, इस पे डाउट ना करें कि आंसर क्या है हमारा गलत है। अगर बुक में आपके कुछ और आंसर दे रखा है, देखो आपके बुक में बैलेंस शीट का टोटल क्या गिवन है,
इस बुक में दे रखा है 2,24,800। चलो 6,000 यहां से माइनस कर दो, क्या आ गया 2,24,800, और यहां से भी 6,000 माइनस कर दो क्योंकि ओवरड्राफ्ट, तो बात वही है। तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक। चलिए नोट करिए अब इसे।